मौलाना फजलुर रहमान के घर पर ओपोजिशन जमातों की अहम बैठक, बिलावल भुट्टो जरदारी समेत अहम सियासी रहनुमाओं की शिरकत। नाजायज हुकूमत को कबूल नहीं करते, रहबर कमेटी के इजलास में जो तय होगा वो लाहे अमल अपनाएंगे। मौलाना की जानिब से बयान जारी किया गया, तमाम सियासी जमातें एक पेज पर हैं, बिलावल भुट्टो ने वाजे कर दिया। देखिए, आप हुकूमत की बात कर रहे हैं, हम इलेक्शन की बात कर रहे हैं। पहले हुकूमत तो जायज़ आए, फिर आप ये सवाल करें कि जायज़ हुकूमत को हटाने का एक आईनी तरीका है, उसको फॉलो किया जाए। जब तमाम पार्टियों ने इलेक्शन के नतीजे को तस्लीम नहीं किया तो उनका मौजू है दोबारा इलेक्शन कराना। आज आपने देखा, पूरा मुल्क ने देखा कि पाकिस्तान के सारे के सारे अपोजिशन के सियासी जमात की क़यादत एक स्टेज पर बैठ कर एक ही पैगाम पर मुत्तफ़िक़ है कि ये जो सिलेक्टेड वज़ीर आज़म है, जो कठपुतली वज़ीर आज़म है, जो धांधली की वजह से इक़्तिदार में है, उसको घर जाना पड़ेगा, इस्तीफ़ा देना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत वाज़ेह पैगाम है।